श्रीलंका के बाद बारी आ चुका है साउथ अफ्रीका को उछलने के लिए। उसके लिए भारतीय टीम की कप्तान ने घोषित किया क्या होगी भारतीय टीम की 11 खतरनाक का प्लेइंग 11। कौन कौन सी भुवनेश्वर को मिलेगा मौका, हार्दिक पांड्या का खेलना कितना भव्य, सब कुछ बताएंगे आज की इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है साउथ अफ्रीका और भारत क्या इस बार की वनडे वर्ल्ड कप 2023 की फाइनल में जा पाएंगे? आप लोग इस बात को नीचे कमेंट कर अवश्य बताएगा। दोस्तों आप सभी को बताते जाए श्रीलंका के बाद अब बारी आ चुका है साउथ अफ्रीका हराने के लिए, जो टॉप टू पर मौजूद है। टॉप वन पर भारत टीम है तो टॉप टू पर साउथ अफ्रीका है। दोनों टीमें अपनी बहुत ही बढ़िया क्रिकेट को खेल रही है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में इस दोनों टीमें काफी शानदार कहर मचा चुकी है। फॉर्म से नजर में आ रही है क्विंटन डिकॉक, तो भारत टीम की तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल तो सभी खिलाड़ी भारत टीम की फॉर्म है। तो दूसरी साइड पर भी क्विंटन डिकॉक, एडन मैक्रम, राशिद वेंडानाथन सभी फॉर्म है। ऐसे में देखने वाली बात रहेगा कि कौन सी टीम जीतेंगे, सब कुछ जानकारी आप सभी को आज किसी हमारी इसी प्यारी सी रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या इस बार क्वालिफाई कर पाएगा वनडे वर्ल्ड कप 2023 की सेमीफाइनल में, इस बात को भी नीचे कमेंट कर बस बताएगा। दोस्तों इन बात आप सभी जानते हो, भारत टीम अपनी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में काफी शानदार कहर मचा चुकी है। भारत टीम की वनडे वर्ल्ड कप 2023 का शुरुआत हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को चेन्नई के चेपक स्टेडियम पर, जिसमें भारत टीम को करारी जीत मिला था 6 विकेट से। दूसरी जीत के लिए भारत टीम जाकर पहुंच गई अफगानिस्तान के साथ लड़ने के लिए 11 अक्टूबर को दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम, जिसमें भारत टीम को 8 विकेट से जीत मिला। तो हैट्रिक जीत के लिए भारत टीम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पुराना बदला को लेने के लिए चला गया दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में, यानी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें 14 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम को 7 विकेट से जीत मिला। तो चौथी जीत के लिए भारतीय टीम बांग्लादेश को अपनी अंदाज में नाग इंडियंस दिखाने के लिए 19 अक्टूबर को पुणे में जाकर पहुंच गई। तो बांग्लादेश को कुचलने के बाद अपनी पांचवी जीत की तलाश में न्यूजीलैंड को हराने के लिए भारतीय टीम जाकर पहुंच गई हिमाचल प्रदेश, यानी दोस्तों धर्मशाला क्रिकेट एसोसिएशन पर, जिसमें भारतीय टीम को 22 अक्टूबर को बहुत बड़ी जीत मिला। 20 साल से भारतीय टीम जीत से अंदाज में नहीं जीत पा रही थी वनडे वर्ल्ड कप में, उसी अंदाज को पूरा करके भारतीय टीम अपने एक बहुत बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़िया न्यूजीलैंड को हराने के बाद। उसके बाद बारी आ चुका था दोस्तों छठवीं जीत के लिए इंग्लैंड को कुचलने के लिए। 29 अक्टूबर को लखनऊ की इकना स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम पर इंडिया की बहुत बड़ी करारी जीत हुआ इंग्लैंड को पूरी बड़ी कोचा डाला, जो कि पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन थे इंग्लैंड टीम। इंग्लैंड को कुचलने के बाद श्रीलंका को कुचलने के लिए चला आए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। श्रीलंका को एशिया कप में बुरी तरफ से कुचलने के बाद उसी अंदाज में फिर से मियां भाई यानी दोस्तों मोहम्मद सिराज और अपनी अंदाज में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा की पूरी की पूरी कहर आया। मोहम्मद शमी के 5 विकेट से भारत टीम को जीत मिला। ऐसे में भारत टीम के सभी गेंदबाज हो या तो सभी बल्लेबाज हो, सभी खिलाड़ी फॉर्म से आ चुके हैं। ऐसे में अभी बारी आ चुका है साउथ अफ्रीका को चलने के लिए, जो कि भारतीय टीम के साथ मुकाबला खेलने के लिए पसंद करती हैं। कप्तान बबुमा के साथ रहेंगे भारतीय टीम की कप्तान रोहित शर्मा, और बबुमा भी बहुत बढ़िया जानते हैं रोहित शर्मा को। ऐसे में दोनों टीम के अंदर काफी बड़ी मुकाबला होने जा रही है और दोनों टीम की मैच नंबर आठ खेला जाएगा। कोलकाता की ईडन गार्डन्स में जाकर पहुंच चुके हैं भारतीय टीम। 5 नवंबर संडे को मुकाबला खेला जाएगा, रविवार को यह बड़ी मुकाबला खेला जाएगा। ऐसे में बता दिया जाए आप सभी को भारतीय टीम में अभी पोजीशन 1 पर है, जो कि 7 मैच खेलकर 14 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 की पॉइंट टेबल में मौजूद है, जो कि एशिया कप 2023 चैंपियन के बाद अभी वनडे वर्ल्ड कप 2023 की सेमीफाइनल में जाकर प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में साउथ अफ्रीका भी पोजीशन नंबर 2 पर है, 7 मुकाबला खेलकर 12 पॉइंट्स के साथ मौजूद है टॉप 2 पर। ऐसे में दोनों टीम के अंदर कड़ी टक्कर होने जा रही है दोस्तों ईडन गार्डन्स में, जो कि भारत की सबसे पुरातन स्टेडियम है, सबसे खूबसूरत स्टेडियम है। ऐसे में दोनों टीम के अंदर मुकाबला काफी टक्कर होने जा रही है। उसके लिए दोस्तों भारतीय टीम की कप्तान रोहित शर्मा ने घोषित क्या क्या होगी भारतीय टीम की 11 खतरनाक का प्लेइंग 11, सब कुछ बताएंगे। लेकिन स्वागत करते हैं उससे पहले आप सभी का आपका मनपसंद चैनल क्रिकेट ओडी चैनल पर, जिसमें आप सभी क्रिकेट की तमाम सारी रिपोर्ट्स के साथ तमाम सारी अपडेट मिलता है। तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल आएंगे, जो कि अपने अंदाज में काफी शानदार रन बना चुके हैं और दोनों बल्लेबाज के साथ बहुत बड़े काबिलियत है और दोनों बल्लेबाज अपने आपके साथ बहुत समय बिता चुके हैं और बहुत बड़े फॉर्म से दोनों बल्लेबाज भी गुजर रही है। भारतीय टीम के लिए काफी शानदार रन बढ़ चुके हैं रोहित शर्मा की पोल साइड के छक्का। तो
शुभमन गिल की अपनी अंदाज में बल्लेबाजी, और दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी तक कर रही हैं, उसी के साथ काफी बड़ी बड़ी रिकॉर्ड को भी तोड़ रही है। ऐसे में दोनों बल्लेबाज काफी शानदार लय में नजर मारे, तो नंबर दोनों बल्लेबाज ओपनिंग करते हम सभी को नजर मारेंगे। तो नंबर 3 के ऊपर हम सभी को विराट कोहली नजर मारेंगे, जो की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी करने के लिए बहुत ज्यादा पसंद करती है। ऐसे में विराट कोहली की फॉर्म बहुत बढ़िया चल रही है, और बहुत बढ़िया फॉर्म से गुजर रहे विराट कोहली, काफी शानदार रन बोल रही है भारतीय टीम के लिए, और भारत के लिए उनका योगदान काफी शानदार रह चुका है। बहुत बढ़िया बढ़िया लंबी पारी खेल रही है, चेसिंग पारी खेल रही है। और विराट कोहली के बाद हम सभी गोश्रेष अय्यर नजर आएंगे, जो कि काफी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ भी काफी शानदार अपनी एक लय में नजर में आए थे, और बहुत बढ़िया एक मैच विनिंग भी पारी खेलते हुए नजर आए थे श्रेयस अय्यर, जो कि वनडे की किंग है। ऐसे में नंबर 5 के ऊपर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल नजर आएंगे, जो कि अपनी घातक विकेट कीपिंग के साथ घातक स्टंपिंग करते हैं। ऐसे में मुकाबला में जाकर बहुत बड़ी गगनचुंबी छक्का लगा के साथ मैच को फिनिश करते हैं, और एक तरफ मुकाबला में दोस्तों जब मैच फंस जाता है तो केएल राहुल निकल देती है। ऐसे में नंबर 6 के ऊपर हार्दिक पांड्या अगर फिट नहीं होंगे, सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे, जो कि अपनी अंदाज में 360 डिग्री की बल्लेबाजी को पे करते हैं, और बहुत बड़े रन बोल रहे थे भारतीय टीम के लिए। ऐसे में दोस्तों नंबर 7 के ऊपर रविंद्र जादूगर जडेजा नजर आएंगे, जो कि अपनी गेंदबाजी के साथ अपनी बल्लेबाजी का उपयोग करती हैं, और वर्ल्ड कप में उनका रिकॉर्ड काफी शानदार रह चुका है। ऐसे में नंबर 8 के ऊपर हम सभी को कुलदीप यादव अपने स्पिन को लेकर आएंगे, जो कि बहुत बढ़िया मिडिल ऑर्डर में जाकर बहुत बड़े विकेट देते हैं। ऐसे में नंबर 9 के ऊपर हम सभी को मोहम्मद शमी नजर आएंगे, जो कि 3 मुकाबला खेल चुके 14 विकेट चमका चुके, पहले मुकाबले में 4 विकेट, दूसरे मुकाबले में 5 विकेट, तो उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट लेकर काफी बड़ी बड़ी रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। भारतीय टीम के लिए सर्वाधिक विकेट टेकर गेंदबाज बहुत जल्दी मोहम्मद शमी बन चुके हैं। ऐसे में नंबर 10 के ऊपर मोहम्मद सिराज नजर आएंगे, जो कि श्रीलंका के बाप है, और आप सभी को पता चल जाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका आंकड़ा भी काफी शानदार रह चुका है। ऐसे में आखिरी खिलाड़ी के तौर पर जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे, ये बनेंगे भारतीय टीम की 11 खतरनाक प्लेइंग 11, जो कि कुचल कर राज कर देंगे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत और साउथ अफ्रीका अंदर मुकाबला में। ऐसे में आप लोग नीचे कमेंट कर बताएगा भारत और साउथ अफ्रीका अंदर मुकाबला को कौन सी टीम जीत पाएगी। आज किसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों आपसे के साथ और एक न्यू वीडियो के साथ।